और प्रयागराज यूनिवर्सिटी का 136वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। उन्होंने हिंदी के जाने माने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि दी। इस दौरान 9 मेधावी स्टूडेंट्स में से 8 छात्राओं में से के खाते में मेडल गए, जहां सिर्फ एक मेडल ही लड़की के हिस्से में आया। इसके अलावा सीएम योगी ने 144 स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी। मेडल और डिग्रियां मिलने की खुशी युवाओं में अलग ही छलक रही थी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज के युवा ही कल का भविष्य है। उन्होंने कहा कि ये वही प्रयागराज है जहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 भारत के लिए धर्म के लिए शहीद हुए, क्या उम्र थी उनकी? साहबजादा अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुजार सिंह, जोरावर सिंह, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, क्या देश के लिए बलिदान होने के लिए किसी कोई उम्र मोहताज रखती है क्या? और यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। गुरु गोविंद सिंह